वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज ग्राफ थ्योरी। सुपर सुपर इजी चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हैमिल्टोनियन पाथ, सर्किट एंड ग्राफ क्या होता है। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये 9th पार्ट है इस चैप्टर का। 1 to 8 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी। आप पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें आज करना क्या है, इसमें डेफिनेशंस होंगे हमारे पास, समझेंगे हैमिल्टोनियन होता क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको माइंड में रखने हैं जिससे कंपलसरी क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते हैं, सारा अच्छे से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन में, मतलब कि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन जाके ना छूटे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए इस टॉपिक के, इतने अच्छे से हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। तो नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक दैट इज हैमिल्टोनियन पाथ होता क्या है। बहुत सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन पे हमेशा बाद में आते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं ताकि डेफिनेशन की वर्डिंग हमें इजी लगे। हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, हम ग्राफ में चलना शुरू करते हैं। ग्राफ में ऐसे चलना है, ध्यान से समझना, ग्राफ में ऐसे चलना है कि हर वर्टेक्स को हमने टच करते हुए जाना है, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे वर्टेक्स हम टच करते जाएंगे, सारे वर्टेक्स के पास होते हुए कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं इस ग्राफ में चलना शुरू कर रही हूँ, सारे वर्टेक्स को टच करते हुए जाऊंगी। देखो, डी से कहाँ गई, ए से बी, बी से सी, सी से ई, ये सारे वर्टिसेस मेरे क्या हो गए, मैंने इनको सबको एक एक बार कवर कर लिया, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ, ये मेरा क्या बन गया, हैमिल्टोनियन पाथ। ए से डी से कहाँ गई, ए से बी, बी से सी, सी से ई, ये मेरा क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ। जहाँ पे सारे वर्टेक्स कवर करते हुए चल रहा है मुझे ग्राफ में, लेकिन किसी को भी रिपीट नहीं करना, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। अब ध्यान से देखो, ये वाली पे यहाँ पे तो मैं गई नहीं, ये एज रहेगी, कोई बात नहीं, एज कोई ऐसी बच जाए कि जिस पे मैं नहीं चल के गई ग्राफ में, कोई बात नहीं, लेकिन सारे वर्टेक्स तो कवर किए ना, एज कवर नहीं की, कोई बात नहीं, सारे वर्टेसिस पे एक एक बार घूम ली मैं, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ, तो ये जो डी ए बी सी ई बना, ये मेरा क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ है। कोई एज बच गई जिस पे मैं नहीं घूमने गई, कोई बात नहीं, वर्टेक्स नहीं बचना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ। सारे वर्टेक्स कवर करने हैं और वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, हैमिल्टोनियन से वर्ड से याद रखना, वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, अ हैमिल्टोनियन पाथ इन अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, ऐसा पाथ विच कंटेन्स ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, ऐसा पाथ जो हर एक वर्टेक्स पे घुमाओ एग्जैक्टली वंस, बस एक बार, ऐसा पाथ जो मैं घूमते घूमते सारे वर्टेक्स पे घूमी, लेकिन हर वर्टेक्स पे एक ही बार जाना है, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होता, जो ये पाथ बना डी ए बी सी ई, इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ। क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखो, हैमिल्टोनियन सर्किट, सुपर सुपर इजी, फिर से हैमिल्टोनियन वर्ड आ गया, मतलब वर्टेक्स तो रिपीट नहीं होगा, मतलब वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, फिर हैमिल्टोनियन सर्किट होता क्या है, ध्यान से समझना, ये क्या कहते हैं, आप ग्राफ में चलना शुरू करो, सारे वर्टिसेस को कवर करो, कोई वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए और कोई वर्टेक्स रिपीट भी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट। सर्किट क्या कहते हैं, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट। सारी कंडीशन यही है पाथ वाली, सारे वर्टेक्स कवर करने हैं, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, बस एक एक्सेप्शन है कि फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट। ध्यान समझो, मैं ए से चलना शुरू हुई, ए से कहाँ गई बी, बी से कहाँ गई सी, सी से कहाँ गई डी, तो ए से बी सी डी, देखो एक ये वर्टेक्स भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी, ये भी, और लास्ट में एक और चल रही हूँ, दैट इज ए, ये हैमिल्टोनियन सर्किट है। सारे वर्टिसेस कवर किए, लेकिन एंड उसी से किया जिससे स्टार्टिंग की है, तो ए बी सी डी ए क्या है, दैट इज हैमिल्टोनियन सर्किट। वर्टेक्स रिपीट नहीं करना, कंडीशन वही है, लेकिन सर्किट में एक हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि बीच में कोई हमारा वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स रिपीट होता है तभी सर्किट बनता है। सर्किट का मतलब हमेशा ये होता है फर्स्ट लास्ट सेम होना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट सेम हो सकते हैं, बीच में कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, सारे वर्टेक्स कवर किए हैं, कोई वर्टेक्स मैंने छोड़ा नहीं है, ए बी सी डी ए, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास बने दैट इज हैमिल्टोनियन
सर्किट. देखो ये लिखा है, अ हैमिल्टोनियन सर्किट इज अ सर्किट दैट कंटेन्स ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ. हर एक वर्टेक्स आ रहा है, मैं हर एक वर्टेक्स पे ट्रेवल करती हुई गई हूँ. एग्जैक्टली वंस, एक ही बार जाना है हर एक वर्टेक्स पे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्टेक्स विच इज ऑल्सो द लास्ट. हर वर्टेक्स पे एक ही बार जाना है, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट दैट वन. कौन से वाला? बस फर्स्ट और लास्ट सेम हो सकते हैं, बीच में कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो. जब ऐसा हम चलते हैं उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट. क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन सर्किट. ये चीज़ क्लियर है पक्का? जब हम ये चलकर आए, ये वाली एज पे हम गए नहीं, या तो हम घूमने गए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. हैमिल्टोनियन के अंदर हम ये नहीं देखते कि ग्राफ की हर एज पे घूमना, नहीं, हमने ये देखना है कि हमने हर वर्टेक्स को कवर किया है और हर वर्टेक्स को कवर करते हुए कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ. अगर पाथ है तो कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, सर्कल है तो फर्स्ट लास्ट के अलावा बीच में कोई रिपीट नहीं होना चाहिए. ये चीज़ क्लियर है? बताओ, चले आगे. अब एक चीज़ नोटिस करना आराम से, यहाँ तक क्लियर होगी ना दोनों डेफिनेशन? बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये रब कर दूँ ना, अगर मैं लिखूँ ए से बी सी डी, मतलब मैं यहाँ से, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहीं रुक जाऊँ, मैं ए लिखूँ ही ना, तो ये हैमिल्टोनियन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा हैमिल्टोनियन? ये हैमिल्टोनियन पाथ नहीं बन जाएगा, है ना? ये तो सर्किट था पूरा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, लेकिन अगर मैं ए से बी, सी, डी पे ही रुक जाऊँ, आगे ए वाले पे जाऊँ ही ना, तो ये हैमिल्टोनियन पाथ बन गया ना, क्योंकि सारे वर्टेक्स कवर हो रहे हैं, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा, तो हैमिल्टोनियन पाथ हो गया. मतलब जिस ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट होगा वहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ तो होगा ही होगा. बस लास्ट वाला मत लिखो, फर्स्ट और लास्ट सेम मत करो, बस यहीं तक लिख दो, तो हैमिल्टोनियन क्या बन जाएगा? पाथ. तो जिस ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट होता है वहाँ हैमिल्टोनियन पाथ ज़रूर होता है. जब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, कंपलसरी क्वेश्चंस बनते हैं, वो ऐसी ही चीज़ों से बनते हैं, मैं वो साथ साथ डिस्कस करती हुई जा रही हूँ. तो जहाँ हैमिल्टोनियन सर्किट होगा वहाँ फॉर श्योर हैमिल्टोनियन पाथ ज़रूर होगा. आप अगला स्टेप नहीं चलो, बस यहीं तक चल दो, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये इसका हैमिल्टोनियन पाथ है, और इसी ग्राफ का कोई सर्किट पूछता है तो ए बी सी डी ए है. ये चीज क्लियर है? उल्टा नहीं होता. यहां पे हैमिल्टोनियन पाथ है, जरूरी नहीं है सर्किट होगा, लेकिन जहां सर्किट होगा वहां जरूरी है पाथ होगा. ध्यान से समझना, जहां हैमिल्टोनियन सर्किट होगा वहां पे पाथ होगा ही होगा हैमिल्टोनियन का. लेकिन अगर पाथ है तो हम सर्किट के बारे में नहीं कह सकते. क्यों? इसका देखो, डी ए बी सी ई, मैं इसको डी पे ख़त्म कर ही नहीं सकती. अगर मैं वापस जाऊंगी तो सी रिपीट हो जाएगा, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता, तो मैं डी पे पहुंच ही नहीं सकती. तो डी से शुरू करके डी पे नहीं पहुंच पाऊंगी यहाँ. तो अगर पाथ है हैमिल्टोनियन, ज़रूरी नहीं है मैं वहाँ से सर्किट भी ढूंढ लूँ ना. अगर सर्किट है तो वहाँ ज़रूरी है हैमिल्टोनियन पाथ होगा ही होगा. ये चीज़ का ध्यान रखना. ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू कंपल्सरी क्वेश्चन यहीं से बन रहे होते हैं, जहाँ से बहुत ईजी मार्क्स मिल जाएंगे, अगर चीज़ें समझते हुए चल रहे हो. क्लियर होगी चीज़? समझ आ गई ना? जहाँ हैमिल्टोनियन सर्किट है वहां पाथ होगा, और जहां हैमिल्टोनियन पाथ है जरूरी नहीं है कि वहां सर्किट हो. अपनी नोटबुक में नोट लगा के खुद लिख लो, जहां हैमिल्टोनियन सर्किट होगा वो इंप्लाई करेगा कि वहां पे हैमिल्टोनियन पाथ भी एग्जिस्ट करेगा. ये नोट्स अपने ये नोट अपनी नोटबुक पे लिख लो. क्लियर है चीज? चले आगे. नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हैमिल्टोनियन ग्राफ. वो क्या होता है? जिस ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन सर्किट हो उसको हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं. क्या? जिस ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन सर्किट हो. जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, इस ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन सर्किट है, नहीं है ना? इसके पास तो नहीं है हैमिल्टोनियन सर्किट. इसके पास है हैमिल्टोनियन सर्किट, यस है. तो ये हमारा क्या है? हैमिल्टोनियन ग्राफ. जिसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट होगा वही हैमिल्टोनियन ग्राफ, उस वही हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा. ठीक है, अब यहाँ वाला यही डेफिनेशन लिखी है, अ ग्राफ विच पोसेसेस, ऐसा ग्राफ जिसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट हो उसको हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं. तो ग्राफ के पास सिर्फ हैमिल्टोनियन पाथ होना नहीं कि बस हैमिल्टोनियन पाथ है तो वो बन जाएगा ग्राफ, नहीं,
उसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट भी होना चाहिए। पूरा हैमिल्टोनियन सर्किट अगर उसके पास होगा तब हम उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस, अब देखते हैं कितने अच्छे से समझ आई हमें चीज़ें। चलिए फिर क्या लिखा है, डिटरमिन वेदर द ग्राफ शोन हैज अ हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ और नीदर। कह रहे बताओ इनके पास सर्किट है, पाथ है, क्या है। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और यहाँ पे डी से ए। सारे वर्टिसेस कवर हो गए, ए से ही शुरू किया था, ए पे रही पहुँच गई, ए बी सी डी ए। तो इसके पास क्या है, इसके पास हैमिल्टोनियन दैट इज सर्किट है। ए से शुरू किया और ए पे ही ख़त्म कर रही हूँ, बिना कोई वर्टेक्स रिपीट किए हुए, बीच में कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं किया। ये क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट। और हर ग्राफ जिसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट होगा उसके पास हैमिल्टोनियन पाथ होता ही होता है। तो ए बी सी डी इसके पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन पाथ भी होगा। एक स्टेप पीछे चल लो, यहाँ तक चल लो, लास्ट वाला मत चलो। देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, सारे वर्टेक्स कवर हो गए, कोई वर्टेक्स छूटा नहीं, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ। तो जो फर्स्ट ग्राफ है उसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट भी है और उसके पास हैमिल्टोनियन पाथ भी है। क्लियर है, आगे चलते हैं ये वाला, इस पे देखते हैं। ए से चलना शुरू करते हैं, ए से कहाँ गए, ई, ई से कहाँ चली गई मैं, डी। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब डी देखो ध्यान से, ए से ई आई, ई से डी। अब कहीं जा सकती हूँ मैं, डी से दोबारा ई जाना पड़ेगा ना, ई तो यूज़ हो चुका है, ये हम नहीं ले सकते, तो यहाँ से तो हमें नहीं मिल रहा। दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं। ए से मैं कहाँ जाऊँ, ई, ई से कहाँ जाऊँ, बी, फिर बी से वापस ई पे आना पड़ेगा तभी यहाँ आऊँगी, ये वाला भी नहीं मैं जा पा रही। तो मैं कहीं से भी चलना शुरू कर रही हूँ, मैं वर्टेक्स सारे नहीं घूम पा रही विदाउट रिपीटिंग द वर्टेक्स। अगर मैं ए से ई गई, ई से बी, वापस मुझे ई पे आना पड़ रहा है तभी मैं आगे जा पाऊँगी, वापस ई पे आना पड़ रहा है तभी मैं यहाँ आ पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रही सारे वर्टेक्स, दैट इज़ विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस। इसका मतलब यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है। सबसे पहले हम पाथ ही ढूंढना शुरू करते हैं। सर्किट तो अगली बात है कि फर्स्ट और लास्ट सेम होगा तो सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। पहले एक बार चल के तो देखो क्या सारे वर्टिसेस कवर हो रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे इजीली पता लग गया था कि ठीक है यहाँ तक पहुँची हूँ, यहाँ वापस आ गई तो मुझे सर्किट मिल ही जाएगा, ए से शुरू ए से खत्म तो सर्किट मिल जाएगा, इजीली दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले पाथ ही देखना शुरू करते हैं, चल के देखती हूँ क्या पता सारे वर्टिसेस कवर कर भी पा रही हूँ कि नहीं, नहीं कवर कर पा रही विदाउट रिपीटिंग। यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ है ही नहीं, हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है तो सर्किट भी कहाँ मिलेगा, एक ही बार नहीं चल पा रही तो मैं फर्स्ट और लास्ट सेम कैसे करूँगी। तो ना इसमें हैमिल्टोनियन पाथ है, ना इसमें सर्किट है, इसमें दोनों थे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे चेक करने को आते हैं, तो बताओ किस में हैमिल्टोनियन पाथ है, किस में सर्किट है, और पाथ सर्किट भी बताओ, जैसे ए बी सी डी मैंने बताया। क्लियर है चीज़, चले आगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझना, ईजी है अगर आराम से चीज़ें समझोगे। क्या लिखा है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम ना ग्राफ पे चल के देख लेते थे सारे वर्टिसेस कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो हैमिल्टोनियन है नहीं है, वो हम सारी चीज़ें देख लेते थे। लेकिन आगे ना क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ हैमिल्टोनियन है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब क्या है कि आप मैथमेटिकली भी कोई चीज़ बताओ, ठीक है ये हैमिल्टोनियन है नहीं है आप बता दोगे, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। आपको क्या ऐसी चीज़ पता है जिससे आपने ये बोल दिया कि इसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है, हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं है। तो जस्टिफाई योर आंसर वाले क्वेश्चंस के लिए हमें मैथमेटिकल चीज़ें भी आनी चाहिए, हमें हैमिल्टोनियन के बारे में और भी चार पाँच चीज़ें पता होनी चाहिए जो अभी हम सीखेंगे, ताकि हम जितने क्वेश्चन है जस्टिफाई योर आंसर वाले वो हम अच्छे से आंसर कर पाए। तो हम और चीज़ें सीखेंगे हैमिल्टोनियन के बारे में, और चीज़ें जानेंगे, है ना। हम किसी को जानते हैं, कुछ चीज़ें हमें उसके बारे में पता होती है, कुछ और चीज़ें हम पता कर लेते हैं, कोई कोई भी हो। तो ऐसे ही हम हैमिल्टोनियन है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है ड्रॉ करना आता है, लेकिन इसके बारे में हम और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ। जी क्या लिया मैंने, कनेक्टेड सिंपल ग्राफ लिया, ठीक है, दो बार ग्राफ लिखा आ गया। जी क्या है, कनेक्टेड सिंपल ग्राफ है विद एन वर्टिसेस एन इज ग्रेटर देन टू। हमने ऐसा कोई ग्राफ उठाया, नोट ध्यान से समझना, ये हमें हैमिल्टोनियन के बारे में और चीज़ें इन्फॉर्म
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. कहता है कोई भी ग्राफ उठाया जिसमें दो से ज्यादा वर्टिसेस है, ठीक है, लेट यू एंड वी आर बी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. मैंने यू और वी कोई नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस उठाई. अगर ये मेरे पास ग्राफ है, ये मेरे पास यू है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक मिनट में दोबारा से बनाती हूँ. ये मेरे पास ग्राफ है U, यहाँ पे लिख लो X, Y, ये V. U और V में कोई भी एज नहीं है, तो U और V क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. ऐसे वर्टिसेस जो डायरेक्टली हमारे एज से कनेक्ट नहीं होते उनको नॉन एडजेसेंट बोलते हैं. यहाँ पे U V डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है. तो वो कह रहे हैं ग्राफ उठाओ जिसमें दो से ज़्यादा वर्टिसेस हों, उसमें दो वर्टिसेस ऐसे ढूंढो जो कि नॉन एडजेसेंट हो, एक दूसरे के पड़ोसी ना हो. आगे चलो, इन जी देन डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन. अगर उन दोनों की डिग्री का सम उस एन से बड़ा या उसके इक्वल है, एन मतलब क्या, जितने ग्राफ में वर्टिसेस थे, अगर एन से बड़ा है या एन के इक्वल है देन जी इज हैमिल्टोनियन. तो जब हमें ग्राफ दिया होगा हम हर बार ड्रॉ करके तो नहीं दिखा पाएंगे, जब हमें जस्टिफाई करनी होंगी चीजें उसके बारे में मैथमेटिकल चीजें भी पता होनी चाहिए. तो कहते हैं कि अगर आप किसी भी ग्राफ में जहां पे n वर्टिसेस हैं वहां के दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस उठाते हो u एंड v, ये रिजल्ट याद रखना कि डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n होनी चाहिए. n मतलब वहां पे क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस. कोई आपको ग्राफ दे दिया, वहां के दो नॉन एडजेसेंट आपने वर्टिसेस उठाए, उनकी डिग्री चेक की, अगर उनका सम n से बड़ा आ रहा है, जितने उसमें वर्टिसेस है अगर उनसे बड़ा आ रहा है या उसके इक्वल भी आ रहा है, तो वो ग्राफ क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा. ये पहला रिजल्ट है, समझ आया. तो अपने माइंड में क्या रखना है, डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन. यू वी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, और एन क्या है, जितने वर्टिसेस वहां पर हमारे ग्राफ के अंदर है. अगर ऐसी चीज हो जाती है तो वो वाला ग्राफ क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा. ये इन्होंने यहाँ पर बोला है, पहला रिजल्ट ठीक है. हमें यहाँ पे चीजें हैमिल्टोनियन के बारे में जाननी है. अच्छा, इससे भी चेक कर सकते हैं कि हैमिल्टोनियन है या नहीं, ये रिजल्ट से चेक कर लेंगे. ये एक नई बात हमें पता लगी. सेकंड बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी कोई कनेक्टेड सिंपल हमने ग्राफ लिया, ठीक है, उसमें भी एन वर्टिसेस हैं, एन ग्रेटर देन टू. ये हमेशा जो भी ग्राफ का एग्जांपल देता है ना, वो कहते हैं उसमें वर्टिसेस दो से ज्यादा होने चाहिए. दो वर्टिसेस वाले ग्राफ नहीं ले रहा, पहले भी कह रहा था विद वर्टिसेस एन ग्रेटर देन टू, कि जो भी ग्राफ की बात हो रही है वहां पे दो से ज्यादा वर्टिसेस होने चाहिए तभी रिजल्ट लग रहे हैं. तो यहां पे भी ये कह रहा है कि आपने ग्राफ उठाया जिसमें दो से ज्यादा वर्टिसेस है, ठीक है. देन क्या कहता है, डिग्री ऑफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाय टू. जितनी आपकी वर्टिसेस है, ध्यान से समझना, जितनी भी आपकी वर्टिसेस है, मान लो एन वर्टिसेस, हर एक वर्टेक्स की डिग्री एन बाय टू से बड़ी होनी चाहिए, तो वो ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टोनियन. ध्यान से समझना, मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी होगी, 4. यहाँ पे मैंने चार वर्टिसेस लिए ए बी सी डी. अगर हर एक की डिग्री बड़ी होगी किससे, 4 by 2 से. अगर हर एक की डिग्री 2 से बड़ी हुई या 2 के इक्वल हुई तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ. डिग्री ऑफ वी मतलब हर एक वर्टेक्स की बात हो रही है, किससे बड़ा होना चाहिए, एन बाई टू से. एन कितना है, 4 वर्टिसेस हैं, तो हर एक की डिग्री अगर 4 by 2 से बड़ी हुई तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ. ये भी एक चेक करने का तरीका है. तो किसी भी ग्राफ पे आपको चेक करना है हैमिल्टोनियन ग्राफ है कि नहीं, आप क्या करोगे, आपने उसके उठाने है, that is degrees, किसकी vertices की. अगर हर एक vertex की degree आपकी बड़ी है कितने से, n by 2 से, तो that will be कितना हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, Hamiltonian graph हो जाएगा. n by 2 मतलब n जितने वहाँ पर total vertices हैं. तो second condition क्या है, that is degree of v is greater than equals to n by 2, ये second condition है, ठीक है. अगर ग्राफ में ये मिल गया तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा. थर्ड देखो, थर्ड कहते हैं लेट m बी द नंबर ऑफ एजेस. m क्या लिया, एजेस ले लिया. m क्या है, किससे बड़ा होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 3 n.
प्लस टू कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ एजेस मेरे पास m जो है वो बड़ा या इक्वल है 1/2 n² - 3n+2 से, तो वो भी क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा, अगर ये कंडीशन भी होल्ड कर जाती है. n क्या है, कितने वहाँ वर्टिसेस हैं, m क्या है, कितने वहाँ पे एजेस हैं, तो अगर ये कंडीशन भी आपकी होल्ड होगी तो वो क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा. ये तीन जो बड़ी बड़ी लाइन्स लिखी गई हैं, अगर आपको ये तीन एक्सप्रेशन याद हो गए, ये तीन लाइन्स ये लिखी गई है. तो पहला क्या है, डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, n. दूसरा, डिग्री ऑफ v ग्रेटर देन इक्वल टू n बाय 2. थर्ड, जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 n² - 3n+2. जैसे मैंने टिप्स पे किया हुआ है, आपके भी टिप्स पे होना चाहिए, क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे. दो मिनट पॉज करके इसको लिख लो, सिर्फ ये तीन को, और लर्न कर लो, फिर हम आगे चलते हैं. एक चीज और ध्यान से समझना, पहले इसको नोट कर लो फिर बताती हूँ आगे. पहले नोट कर लो फिर बताती हूँ, बहुत ध्यान से चीजें समझना. यहाँ पे ये लिखा है कि जिस ग्राफ में ये चीजें होंगी वो हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि जहाँ ये नहीं होगा वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा. ये है तो हैमिल्टोनियन है, ये नहीं है तो, ध्यान से समझना, अगर ये रिजल्ट ट्रू है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर ये रिजल्ट ट्रू हुए तो इसका मतलब वो हैमिल्टोनियन ग्राफ है. लेकिन अगर ये रिजल्ट नॉट ट्रू नहीं हुए, तो हम फर्दर आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये एक्चुअली में है या नहीं है. ये वाले रिजल्ट ये पक्का बता देंगे कि हैमिल्टोनियन ग्राफ है, लेकिन अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं हुए तो हम आगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सीआईडी खेल लेंगे. अच्छा, इससे तो पता नहीं लग रहा कि हैमिल्टोनियन है या नहीं, कुछ और से हम चेक कर लेते हैं. ये चीज़ का ध्यान रखना, ये ट्रू हो गए, यस हैमिल्टोनियन ग्राफ डन, ये ट्रू नहीं हुए, फर्दर हम आगे कैलकुलेशन करके चीज़ें देख रहे होंगे. चलो, इससे नहीं पता लगा और किसी चीज़ से चेक करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना. ये नहीं कि ये ट्रू नहीं है और आपका तो हैमिल्टोनियन नहीं है, ऐसा नहीं करना. ये ट्रू है तो यस हैमिल्टोनियन, ट्रू नहीं है तो कुछ और हम देखेंगे. क्लियर है चीज़, इसने कहीं नहीं लिखा कि ऐसा नहीं होगा तो वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, नहीं, उसने कहा है ये हो रहा है तो हैमिल्टोनियन है, नहीं हो रहा, कहीं नहीं लिखा कि नहीं हो सकता, कि ये नहीं हो रहा तो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, कहीं ये लैंग्वेज नहीं लिखी है. तो ये वन साइडेड है तो हैमिल्टोनियन होगा, नहीं है तो पता नहीं, कुछ और सर्च कर लो, कोई और रिजल्ट लगा लो. ये चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, ठीक है. चलिए फिर आगे चलते हैं, अभी इस क्वेश्चन से आपको चीज़ क्लियर होगी मैं क्या कह रही हूँ. कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखो, इसमें आपके पास आएगा जस्टिफाई योर आंसर्स. पहले हम इसमें देखते हैं ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं, हमने इस पर रिजल्ट लगाना शुरू करते हैं. हमें अपना पहला रिजल्ट पता है कि अगर हम उठाते हैं दैट इज नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन होने चाहिए. पहला रिजल्ट यही था ना, एक सेकेंड, पहला रिजल्ट यही था ना, लगा के देखते हैं. नॉन एडजेसेंट कौन से हैं, ए एंड सी, इनमें कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है. डिग्री ऑफ ए कितनी है, दैट इज टू, क्योंकि इससे दो निकल रहे हैं. डिग्री ऑफ सी कितनी है, दैट इज अगेन टू. एन कितना है वर्टिसेस, 1, 2, 3, 4, ये रहा 4. रिजल्ट चेक करते हैं, डिग्री दैट विल बी 2, यहाँ पे भी 2, ग्रेटर देन इक्वल टू एन की जगह क्या है 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. हमने कहा था यहाँ तो या बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो है ना, तो ट्रू, पहला वाला ट्रू हो गया, दैट इज ये क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है. यस, जहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, रिजल्ट वेरीफाइड हो गया, वहाँ आपने कुछ नहीं करना, लिख दोगे यस इट इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ. जहाँ नहीं हुआ आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे. क्लियर है चीज, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट लग गया, दैट इज हैमिल्टोनियन ग्राफ, पहला रिजल्ट लग गया. दूसरा भी लगा के देख सकते हो, दूसरा क्या था कि डिग्री ऑफ वी क्या है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बाय 2 होनी चाहिए. हर एक की डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 3, इसकी 2, इसकी 3, हर, अब n बाय 2 मतलब 4/2, 2, हर एक की डिग्री 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए. ये 2 है, ये 2 से बड़ी है, ये 2 है, ये 2 से बड़ी है, हर एक की डिग्री 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए थी, वो है, तो इसका मतलब सेकंड रिजल्ट भी वेरीफाइड है, इसका मतलब ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है. आपने एक कर दिया, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही पता लग गया यस ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है. अगर मान लो यहाँ पे तो हमें दो नॉन एडजेसेंट मिल गए ना, ध्यान से मेरी बात समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो गया, हैमिल्टोनियन ग्राफ है, मूव टू नेक्स्ट वन. लेकिन मेरी बात ध्यान समझो, यहाँ पे मेरे पास नॉन एडजेसेंट थे ए और सी, मान लो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करा हुआ ग्राफ मिलता मुझे,
कौन से नॉन एडजेसेंट है यहाँ पे। मान लो आपको नॉन एडजेसेंट कोई ग्राफ में मिल ही नहीं रहे, ऐसा कोई दो वर्टिसेस है ही नहीं कि जो नॉन एडजेसेंट हो, फिर आप फर्स्ट वाले रिजल्ट से नहीं करोगे, सेकंड वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो, थर्ड वाला रिजल्ट यूज करके चेक कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रिजल्ट से करना है, अगर आपको नॉन एडजेसेंट वहां नहीं मिल रहे ग्राफ में वर्टिसेस, तो आप सेकंड और थर्ड वाले रिजल्ट यूज करके भी हैमिल्टोनियन ग्राफ चेक कर सकते हो कि वो है या नहीं है। क्लियर होगी चीज? तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। यस, हमें फर्स्ट रिजल्ट से पता लग गया, आगे हमें कुछ नहीं चेक करना। अब इस पे आ जाओ, इसमें चेक करते हैं इसमें नॉन एडजेसेंट कौन से हैं। बी और डी उठा लें, ये नॉन एडजेसेंट है क्योंकि इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है। डिग्री ऑफ बी कितनी है? डिग्री ऑफ बी इज 2। डिग्री ऑफ डी इज, दैट इज अगेन 2। रिजल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम कि डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। एन कितने हैं यहाँ पे? 5 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 है। डिग्री ऑफ यू कितनी है? एक इसको मान लो ना 2, दैट इज 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है? 4 5 से बड़ा है? नहीं। क्या 4 5 की इक्वल है? नहीं। तो ये फॉल्स है। इसका मतलब उसमें से कोई स्टेटमेंट लगी नहीं, पहली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब ये नहीं कहना कि ये हैमिल्टोनियन है नहीं, मेरी बात ध्यान समझना। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हम ऐसे नहीं कह सकते वो हैमिल्टोनियन नहीं है, इसका मतलब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। यहाँ पे ट्रू हो गया था, हैमिल्टोनियन ग्राफ है, बात खत्म। यहाँ ट्रू नहीं हो रहा, अब आगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैसे? हम बना के देखते हैं क्यों नहीं बन रहा है इसमें। देखो यहाँ से बी से शुरू करते हैं, बी से ए, ए से ई, ई से डी, डी से सी, तो सी से बी। तो इसमें तो हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ बन रहा है देखो, बल्कि यहाँ पे तो हैमिल्टोनियन सर्किट, देखो पूरा सर्किट बना है, ग्राफ बन रहा है बिल्कुल। बी से ए, डी, सी, बी, पूरा देखो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ आई, वापस आ गई, सारे वर्टिसेस कवर हुए, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है, जिसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट होता है उसके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। ये क्या है? हैमिल्टोनियन ग्राफ है। क्लियर होगी चीज? तो ये नहीं, अब देखो आपके पास क्वेश्चन आए, अगर तो आपको ड्रॉ करना ही नहीं, कोई अटपटा सा आपके पास क्वेश्चन, बड़ा सा ग्राफ आ जाए, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट करो और चेक कर लो, ठीक है। अगर यस आ गया, क्वेश्चन खत्म, हाँ जी इसके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है। लेकिन अगर नो आया रिजल्ट, तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, ड्रॉ करके देखोगे, हाँ इसमें तो बन पा रहा है, तो यस ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो ये एग्जांपल है कि इसमें तीनों में से रिजल्ट नहीं लग रहा, उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ आ रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया तो यस इसके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ज़्यादा आगे खोज भी नहीं करनी। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, आगे इन्वेस्टिगेशन करो, क्या पता इस पैरामीटर से चीज़ें नहीं मिल रही, कहीं और से दिख जाए, ड्रॉ करके देखा इजली ड्रॉ हो रहा था, तो यस इसके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है। क्लियर है ये चीज़? चले आगे, तो जस्टिफाई योर आंसर आ गया, तो आपने ये पूरी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखानी है। इसमें जस्टिफाई योर आंसर आ गया, तो आप क्या करोगे, यू कैन ईजली ड्रॉ द सर्किट, और जहाँ सर्किट होता है वहाँ पे हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है, इसलिए हमने यहाँ कहा कि इस ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है। वैसे जस्टिफाई योर आंसर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये रिजल्ट लग रहा होता है, तभी मार्क्स आते हैं, और जिसमें ऐसे जस्टिफाई के लिए कुछ ज़्यादा लिखने को नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे सिर्फ यस नो से काम चल जाता है कि यस इसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है। क्लियर है चीज? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, तीन बातें हमें पता लग गई थी हैमिल्टोनियन के बारे में, ये दो बातें और, फिर बस हम क्लास में एक दो क्वेश्चंस हो रहते हैं, क्लास कंप्लीट। देखो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, इफ ग्राफ जी विद एन वर्टिसेस, किसी ग्राफ के पास एन वर्टिसेस है, ध्यान से, किसी भी ग्राफ के पास, मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ फिर पढ़ेंगे। अगर किसी ग्राफ के पास नंबर ऑफ वर्टिसेस ज्यादा है, ठीक है, और नंबर ऑफ एजेस कम है, ध्यान समझना, अगर किसी भी ग्राफ के पास नंबर ऑफ वर्टिसेस ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ एजेस कम है, तो उस ग्राफ के पास हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं हो सकता। हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं हो सकता मतलब हैमिल्टोनियन ग्राफ भी नहीं हो सकता, ये पहला पॉइंट लिखा है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिसेस तो मान लो 5 हैं, एजेस 3 हैं, तो वो हैमिल्टोनियन सर्किट भी नहीं हो सकता, उसमें सर्किट नहीं है तो ग्राफ भी नहीं हो सकता, ये बहुत काम की चीज़ है। इसने तो नॉट वाली चीज़ बता दी कि सीधा चेक कर लो कि अगर एजेस आपकी कम है वर्टिसेस से, तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता।
ये यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कोई भी हैमिल्टोनियन सर्किट उठा लो, कोई भी हैमिल्टोनियन सर्किट, उसमें किसी भी वर्टेक्स की डिग्री दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप कोई भी हैमिल्टोनियन सर्किट उठाओ, किसी की भी डिग्री दो से ज़्यादा नहीं होगी। हैमिल्टोनियन सर्किट उठा लेते हैं, कोई भी उठा लो, ये वाला हैमिल्टोनियन सर्किट उठा लिया, दैट विल भी कितना होगा, ए की डिग्री कितनी है 2, ई की डिग्री कितनी है 2, डी की डिग्री कितनी है 2। ये वाला इसमें भी हैमिल्टोनियन सर्किट था ना, क्या सर्किट था, कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखो हैमिल्टोनियन सर्किट की बात हो रही है। मैं कैसे गई थी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, कौन सा सर्किट बना मेरे पास, ए बी सी डी, ऐसे मूव किया था ना मैंने, ये लो सर्किट बन गया। सर्किट का मतलब जो वर्टिसेस हमने यूज किए, जिसको हमने पाथ को फॉलो किया, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यही सर्किट बनेगा इसमें। ये वाली हमें कवर करनी नहीं पड़ी। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। तो जो हमारा सर्किट तैयार होता है, ये ग्राफ नहीं पूरा, जिस पाथ पे चल के मैंने सर्किट, सर्किट क्या है यहाँ पे, ए से बी सी डी ए, ये जो सर्किट मैंने चल के तैयार की है, इसमें डिग्री क्या है हर एक वर्टेक्स की 2। आप देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो हैमिल्टोनियन सर्किट जो बनता है कंप्लीट एट द एंड, फाइनल जो हम ऐसे लिखते हैं, उसमें हर एक की डिग्री 2 होती है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यू में भी ये चीज़ें आती हैं। क्लियर होगी चीज़, ये 5 चीज़ें, 3 पहले वाले नोट और 2 ये अच्छे से नोट कर लेना, एक दो बार रीड करते हो ईजिली चीज़ें हो जाती हैं, डोंट वरी, ऐसे मत समझो ये भी याद रखना, ये भी नहीं हो जाता एक दो बार पढ़ते हो तो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। डज द ग्राफ शोन बिलो हैज हैमिल्टोनियन सर्किट, कि जो यहाँ नीचे ग्राफ बने हुए हैं, क्या इनके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है, जस्टिफाई योर आंसर। अगर हैमिल्टोनियन सर्किट है तो आंसर जस्टिफाई करिए, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। हमने नोट किए थे कौन से वाले, पहले 3 और ये 2, 5, ठीक है। ये नोट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, कि अगर ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कम हैं, वर्टिसेस ज़्यादा हैं, वो वहाँ पर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं हो सकता। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने नो वर्ड का बताया है कि कहाँ नहीं हो सकता, इसी ने सिर्फ अकेले ने बताया कि कहाँ हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं हो सकता, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे ना, हमेशा इस वाले से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ये वाले से, कि नो वाला तो चीज़ हटा दो ना, ये तो पता लग जाए है या नहीं, पहले ही चीज़ यही चेक कर लो, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी पेपर में कोई ग्राफ आएगा, कोई पूछ रहा है उसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, तो सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट चेक करना, फिर वो 3 पॉइंट चेक करना, इसकी बारी ज़्यादा नहीं आती चेक करने में, तो ध्यान रखना। तो जब भी आपको चेक करना है हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं, सॉरी हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट चेक करेंगे, फिर वो 3 नोट वाले पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब अगर पहला पॉइंट ही हमें मिल गया नो, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। यहाँ पे हमें चेक करना है इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, इसके कितने वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 5, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ एजेस, एजेस को एम से लिखते हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, नंबर ऑफ एजेस 4 है, नो आइलर सर्किट, आइलर कैरी सॉरी, नो हैमिल्टोनियन सर्किट, इसके पास कोई भी हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा। लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले यही पॉइंट चेक करना है कि कहीं नंबर ऑफ एजेस कम तो नहीं नंबर ऑफ वर्टिसेस से, बिल्कुल 5 यहाँ पे वर्टिसेस हैं, एजेस यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन सर्किट इसके पास नहीं है, कोई हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है, इसका मतलब नो हैमिल्टोनियन ग्राफ, तो ये ग्राफ है ही नहीं हैमिल्टोनियन का। क्लियर है चीज़, ग्राफ शोन बिलो से पूछा था हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, नहीं इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। अब इसमें आ जाओ, इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं 5, एजेस कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कितने हैं 8, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 5, नंबर ऑफ एजेस 8, नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टिसेस से ज़्यादा है, इट मीन्स ये क्या है, इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। उन 3 रिजल्ट में से लगा के देखें, अगर रिजल्ट वेरीफाई हो गया तो यस, नहीं हुआ तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। तो हम रिजल्ट लगा के देखते हैं, तो इसमें 3 में से कोई भी रिजल्ट लगा सकते हैं। मैं अब थर्ड वाला रिजल्ट लगा रही, कौन से वाला, थर्ड वाला, कि जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2,
एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू होना चाहिए। ये वाला वेरीफाई करके देखते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे m कितना है, दैट इज 8, तो यहाँ पे 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। n कितना है 5, 25, 5 3 15, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, 25 में से 15 गए, दैट विल बी कितना हो जाएगा 10 प्लस 2, दैट विल बी 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, 10 प्लस 2 12, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमारा ट्रू है, इसका मतलब ये तो येस आ गया। येस होने पे तो हम लिख सकते हैं कि इसके पास क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट है। हमें नो मिलता तो हम आगे और इन्वेस्टिगेशन करते, येस मिल गया तो येस इसके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ है। सो क्लियर हुआ इन क्वेश्चन से कि कैसे चेक करते हैं हैमिल्टोनियन को, बहुत बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है, कोई भी आपको ग्राफ मिलेगी चेक करो इसके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं। आपने नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टिसेस चेक करने हैं, नंबर ऑफ एजेस अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस से लेस है तो वहां पे हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा और वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता। अगर ये चीज हो जाती है कि यस, मतलब ये चीज आपको पता लग जाती है कि नंबर ऑफ एजेस जो है वो वर्टिसेस से ज्यादा है, चलो फिर आगे चेक कर लेते हैं। फिर आप रिजल्ट वेरीफाई करा के देखो, जो तीन नोट वाले रिजल्ट किए थे ना, वो रिजल्ट आप वेरीफाई करवा के देखो क्या कौन सा रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है, फर्स्ट लगा के देखो, सेकंड, थर्ड, अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं तो यस ये हैमिल्टोनियन सर्किट है, इसके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। अगर वो रिजल्ट भी वेरीफाई नहीं हो रहे फिर आप एक बार और इन्वेस्टिगेशन ड्रॉ करके देख लो, अच्छा ये नहीं हमारे पास हो रहा है कि नहीं ड्रॉ हो रहा, उससे आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो आप इससे ऐसे एक फ्लो चार्ट सा बना सकते हो कि सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस। अगर यहीं पर नो हो गया, अगर यहीं पर नो हो गया, इसका मतलब कोई फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे येस हो जाता है तो आप अपने रिजल्ट्स लगा के देखोगे, क्या लगा के देखोगे, रिजल्ट्स लगा के देखोगे। अगर अब रिजल्ट्स यहाँ पे येस हो गया कि ठीक है रिजल्ट आपके वेरीफाइड हो गए, तो नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अगर रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुए तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके देखोगे, ड्रॉ करके देखोगे कि एक्चुअल में हो रहा है कि सर्किट नहीं ड्रॉ हो रहा। ये आपने याद रखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नो आ गया क्वेश्चन खत्म, येस आया रिजल्ट लगा के देखो, रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि हाँ ये ठीक है, बस आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, वो आपका बन जाएगा हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुआ फिर आगे आप ड्रॉ करके देखोगे, ये अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो, क्लियर होगी चीज। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, अगर हैमिल्टोनियन सर्किट हुआ तो वहां पे हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा ही होगा। आगे चलते हैं, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है। एग्जाम्पल दो ग्राफ का जिसके पास आइलर सर्किट तो हो लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट ना हो, क्या हो, आइलर सर्किट। आइलर हमने लास्ट क्लास में किया है, आइलर का मतलब क्या है, जहाँ पे एजेस रिपीट नहीं होती, जहाँ पे एजेस रिपीट नहीं होती। तो कहते हैं ऐसा ग्राफ बना के दो जहाँ एजेस रिपीट ना हो पर वो हैमिल्टोनियन सर्किट ना हो। तो जहाँ पे एजेस रिपीट ना हो लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं करना चाहिए। उसने बोला है कि वो आइलर होना चाहिए, हैमिल्टोनियन नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे एजेस रिपीट ना करे, वर्टेक्स कर सकते हैं। उसने नोट हैमिल्टोनियन बोला है ना, मतलब हम वर्टेक्स रिपीट करवा रहे होंगे, ऐसा ग्राफ बना के दो, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ऐसा ग्राफ जो आइलर है लेकिन वो दैट इज हैमिल्टोनियन नहीं है, वो ग्राफ ये है। आप इजीली ये ग्राफ बना सकते हो, अगर आप इसमें चल के देखोगे यू विल रियलाइज कि हाँ इसमें एजेस रिपीट नहीं हो रहे लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो रही है। देखो ये ग्राफ बन गया, ठीक है, अब इसमें चल के देखते, ध्यान से देखना, इसमें मिलेगा आपको आइलर। देखो आप ए से कहाँ गए, डी, डी से कहाँ गए, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए, सारी एजेस कवर हुई है, कोई एज रिपीट नहीं हुई, ए से डी, बी, सी, डी, ई, कोई एज रिपीट नहीं। देखो हर एक एज पे मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ, तो ये क्या है, ये आइलर, दैट इज मेरा क्या है, सर्किट है। और कहाँ से शुरू किया था, ए से शुरू किया था, देखो ए से शुरू किया था, घूम के कहाँ पे आ गई, ए पे आ गई, दिस इज आइलर सर्किट, कोई एज रिपीट नहीं किया तो ये आइलर सर्किट है। लेकिन ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है, क्यों, देखो यहाँ पे डी और डी रिपीट हो रहे हैं, वर्टिसेस रिपीट हो रहे हैं। तो ये ग्राफ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास आइलर सर्किट तो है लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है, यही हमने बताना था। सेकंड है हैमिल्टोनियन सर्किट होना चाहिए लेकिन आइलर सर्किट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ये लो ध्यान से,
हैमिल्टोनियन सर्किट का मतलब क्या है कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मैंने बना लिया यहाँ पे, ये लो यहाँ पे। अब इसमें चलना शुरू करो, चलेंगे तो कैसे चलेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ए। देखो ए बी सी डी ए, ये हैमिल्टोनियन सर्किट है। ए से शुरू हुआ, ए से खत्म हुआ, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं है, ये हैमिल्टोनियन सर्किट है। लेकिन ये आइलर सर्किट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाली एज तो हमने कवर नहीं की। आइलर क्या कहता है, हर एक एज कवर होनी चाहिए, कोई एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये एज तो हमने कवर करी ही नहीं, तो इट मींस ये हमारा आइलर सर्किट नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल जो आइलर है लेकिन हैमिल्टोनियन नहीं है, दिस इज द एग्जांपल जो हैमिल्टोनियन है लेकिन आइलर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में बार बार, तो मैंने ये बनवा दिया। तो अब आपको आइलर सर्किट, आइलर पाथ, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, हैमिल्टोनियन आज की क्लास में कर लिया। अच्छे से चीजें समझना डिफिकल्ट नहीं है, बस माइंड में बिठाने की देर है। अच्छा ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, ये हुआ तो ऐसे चेक हो जाएगा। आप कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी से पता लगेगा इसके पास हैमिल्टोनियन है या नहीं, इसी से पता लगेगा इसके पास है या नहीं। थोड़ा सा हेर फेर, थोड़ा सा माइंड लगाना है। अच्छा ये हो गया, हो ये मिल गया, चलो इससे पता लग गया। अच्छा इससे नहीं पता लग रहा, अगली चीज लगा के देख लो। ऐसे थोड़ा आगे पीछे करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, वो हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ट्री का टॉपिक कर रहे होंगे, जितने भी ग्राफ के टॉपिक, मतलब जो सिंपल ग्राफ, हैमिल्टोनियन, जो हमने आइलर किया है, इससे जितने टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब ट्री से रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे होंगे। ये सारे अपडेट्स कौन सा पार्ट कब आ रहा है, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, सारी जगह अपडेट होता है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन करो, आपको सारी चीजें टाइमली पता लगेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।